दमोह जिले के हटा में ब्राह्मण समाज ने शासन प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आहूत सद्भावना शोभा यात्रा पर प्रशासन द्वारा अचानक रोक लगाने से ब्राह्मण समाज में तीखा आक्रोश देखा गया। रविवार दोपहर निकलने वाली इस सद्भावना यात्रा की विधि अनुसार अनुमति ली गई थी, लेकिन पर प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा था। प्रशासन के निर्णय का जमकर विरोध हुआ। सैकड़ों की तादाद में एकत्र हुए ब्राह्मण समाज ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर को बुलाने पर अड़ गए, जहां पर अधिकारियों की समझाइश के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान धर्मशाला में समाज जनों के सामने अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा और शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन समाज में उपजे आक्रोश को अधिकारी शांत नहीं कर सके। काफी बहस के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद शोभा यात्रा न निकाले जाने पर समाजजन एक राय हो गए। इस सब मामले में विधायक उमा देवी खटीक से समाज के लोगों व कांग्रेसी नेताओं द्वारा शासन प्रशासन को मनमानी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।